नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। हिंदी फीचर फिल्म आदि पुरुष को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की कि आदि पुरुष न देखें। उन्होंने कहा कि जहां हमारी भावनाएं आहत हों और उसे ठेस पहुंचे वहां ना जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा हमारा, समय हमारा, तो उसे हम कहां व्यतीत करें, ये हमारी मर्जी है। अब तो आदि पुरुष फिल्म के संवादों को सभी ने सुन लिया है, बेहतर होगा उसे देखने ही ना जाएं। सबसे अच्छा तरीका है कि अब सुन तो लिए सब, ना देखने जाएं। जबरदस्ती क्या किसी को देखना? पैसा आपका है, समय आपका है, आप किस में व्यतीत करना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। जब इस प्रकार से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात है तो उस जगह ना जाएं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा PSC के परिणामों में धांधली के आरोप को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की गई और जांच की मांग भी उठाई गई। PSC परिणामों की जांच को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 9वीं फेल हैं, उन्हें तो PSC का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा और वे आंदोलन की बात करते हैं। शुक्ला ने कहा कि अगर कहीं त्रुटि है तो तथ्य प्रस्तुत करें, उसकी जाँच की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कहीं कोई गड़बड़ी है तो आप प्रमाण रखिए, आप तथ्यात्मक बातें रखिए, कार्रवाई की जाएगी, शिकायत की का निराकरण किया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, किंतु परंतु ऐसी आशंका है, ये कोई बात हुई? 9वीं फेल भारतीय जनता पार्टी के नेता जो PSC का फुल फॉर्म नहीं जानते वो इसमें आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव युवा समझ रहे हैं और हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के हित में ही हमारी सरकार निर्णय ले रही है। 15 साल में 9 परीक्षा करवा पाए थे PSC की, हमारी सरकार हर साल परीक्षा करवा रही है, पूरी पारदर्शिता है। गरीब का बच्चा आज PSC पास कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को यही पीड़ा है। पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में भी फिल्म आदि पुरुष के संवादों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब सभी राजनीतिक पार्टियां विरोध को लेकर मुखर हो रही हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि फिल्म के मेकर्स द्वारा विवादित संवादों की एडिटिंग की जाएगी, लेकिन अब सेंसर बोर्ड पर लोगों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सेंसर बोर्ड को पहले इसे देखना चाहिए था। अब ये तो पहली बात तो ये है कि जो सेंसर बोर्ड उसे देखना चाहिए था कि इस प्रकार से जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उसके मुख से इस प्रकार के शब्दों का बुलवाना कोई उचित बात है? ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले में बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा कि जन जन के राम के विपरीत अगर कुछ है तो कोई भी फिल्म का समर्थन नहीं करेगा। नहीं, विरोध और समर्थन की बात नहीं है। यदि रामायण के राम के चरित्र और हनुमान के चरित्र और अन्य चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत आ रही है, जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, मुझे लगता है ये समानता इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, जन जन में बसे हैं राम, इसलिए राम के प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसका विपरीत कुछ है तो उसमें कोई समर्थन नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसे लेकर पार्टी में उत्साह है। सभी नेता अपने अपने निर्धारित कार्यक्रमों के तहत जनसंपर्क कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी लगातार कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी में प्रदेश सरकार को लेकर नाराजगी है, यही नाराजगी आने वाले चुनाव में EVM में जनता दिखाने वाली है। पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त वातावरण है, जहाँ भी जा रहे हैं हर समाज के हर वर्ग, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, युवा हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबके मन में सरकार के प्रति नाराजगी भाव है। राजधानी रायपुर में कबीर स्मृति महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के संत शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि अनेक संतों को एक साथ देखकर सुख की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री ने उन आश्रमों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिन्हें अब तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों की सोहबत से जीवन में परिवर्तन निश्चित है। उन्होंने कहा कि सुख को बाहर नहीं अपने अंदर ही तलाशना होगा।
हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी कबीर आश्रम हैं और जितने भी परंपराएं हैं उसके एक साथ यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ और सभी हमारे दादी के सब संत यहाँ उपस्थित हुए। कबीर स्मृति कार्यक्रम हुआ और जिसमें निष्ठा साहब भी हैं और खरसिया गादी के भी उत्तराधिकारी और सभी लोग यहाँ संत लोग उपस्थित हुए थे। कबीर जी के बड़ा प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा है और विभिन्न जाति के लोग कबीर पंथ को मानते हैं और कबीर का रास्ता ही है, क्योंकि उस समय भी कबीर जी ने जो हमारे परम कुरूतियाँ हैं, हमारे अंदर जो अंधविश्वास है, उसको बहुत ही प्रखरता से उसको खंडित किया और उन्होंने प्रेम का संदेश पूरे समाज को दिया। प्रेम और भाईचारा से ही हम लोग इस भारतीय समाज को बचा सकते हैं और आज कबीर का जो संदेश है न केवल देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। तो कबीर की जो परंपरा है उसके मानने वाले बड़ी संख्या में हैं और कबीर जो आश्रम है शासन के द्वारा उन्हें अनुदान भी दिया गया जिससे बहुत सारे जो उनकी आवश्यकताएँ थी उस हिसाब से निर्माण करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ जन जागरण को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव को खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर भाजपा ने कहा कि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल से ही करें। भाजपा के इस बयान को कांग्रेस ने तिलमिलाहट कहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब भी नशे के खिलाफ हमारी सरकार कोई कदम उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है, क्योंकि नशे के व्यापार में भाजपा के नेता ही लिप्त हैं। जब जब नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला जाते हैं। आपको याद होगा कि कैसे जब हुक्काबाज के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चिढ़ गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में नशे का अवैध व्यापार पिछले 15 साल से कर रहे थे और जब जब हमारी सरकार इस पर प्रहार करती थी तिलमिला जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके पेट पे लात पड़ता है। आज देखिए कि शराब में भी अवैध शराब तस्करी के यदि 100 मामले पकड़ाए हैं तो उसमें 90 मामले ऐसे हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता संलिप्त है। कहीं भाजीमो का जिला उपाध्यक्ष, कहीं भाजीमो का अध्यक्ष, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का प्रदेश का महामंत्री, मतलब बड़े पैमाने पर भाजपा के लोग इस प्रकार के गलत कार्यों में संलिप्त रहते हैं और जब जब कार्रवाई की बात होती है तो उसका समर्थन करने के बजाय विरोध करते हैं। भाई ये नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो राजनीतिक दल के रूप में आप उसको समर्थन करना चाहिए। इसमें क्या राजनीति होगा, विरोध करने लग क्यों विरोध कर रहे हो? इसलिए विरोध कर रहे हो कि आपके लोग जो ये धंधा करते हैं उनके पेट में चोट पहुंच रही है। 10 और 11 की दरमियानी रात को पुरानी बस्ती का एक परिवार किसी शादी समारोह में गया हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए चोर ने घर से लाखों के जेवरात चुरा लिए थे। पुलिस में रिपोर्ट के बाद जब खुलासा हुआ तो प्रार्थी का भतीजा ही चोर निकला। पुलिस ने बताया कि वो पूर्व में भी 376 के केस में जेल काट चुका है। आरोपी के पास से 8 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए। नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 11-12 की दरमियानी रात को एक शादी के प्रोग्राम में गए हुए थे, उस दौरान उनके घर पर एक चोरी की घटना हुई है, जिस पर थाना पुरानी बस्ती में चोरी का मामला दर्ज किया गया था। इसमें जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया तो उसी का चचेरा भाई अमित सोनकर उस पर संदेह था। जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने चोरी की घटना को करना स्वीकार किया है और उसके कब्जे से जो चोरी गया 14 तोला सोने का जो आभूषण है वो एक लैपटॉप और एक मोबाइल फ़ोन जिसकी जुमला कीमत लगभग 8 लाख रुपये है उसे जब्त करके उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। इसके खिलाफ पूर्व में भी एक मामला रहा है, 376 के मामले में भी ये जेल निरुद्ध रह चुका है जो आरोपी है और इसे न्यायिक रिमांड पर आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।